सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं साउथ अफ्रीका के तब्रेज़ शमसी के हवाले से। दोस्तों तब्रेज़ शमसी ने ऐसा काम किया जो कि दोस्तों बड़ी बेगैरती की मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। दोस्तों तब्रेज़ शमसी मुंह दिखाने के लायक नहीं है बेगैरती के बाद। आइए इस वीडियो के अंदर तमाम तर रिपोर्ट बताने वाला हूँ जो कि आपके सामने है। उसने अपने कान के ऊपर जूता रखा हुआ है। इस हवाले से आप दोस्तों को मुकम्मल रिपोर्ट बताने वाले हैं कि आखिरकार वो मुंह दिखाने के लायक क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला T20 मैच आसानी से जीत चुकी है और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म करके पहला मैच जितवाया है। उसके बाद दोस्तों तब्रेज़ शमसी मुंह दिखाने के लायक क्यों नहीं है, वो भी तमाम तर रिपोर्ट बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बग़ैर कोई आपका कीमती वक्त जाए कि आपको मुकम्मल तफसील बताने वाली हैं। दोस्तों इससे पहले इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी करें कि यह सीरीज़ पाकिस्तान टीम जीतेगी या साउथ अफ्रीका। दोस्तों उसके बाद तब्रेज़ शमसी ने आज जो कि आपके सामने पिक्चर शो हो रही है उसने जूता दिखाया था पाकिस्तान टीम को। हम इंशाल्लाह भी कि ये पाकिस्तान से सीरीज़ जीतेंगे, ये मैच जीतेंगे, जूता दिखाया था। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान टीम के बहुत ही अच्छी बैटिंग की, उस जूते को देखने के बाद मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसके बाद अब पाकिस्तान टीम पहला मैच जीत चुकने के बाद तब्रेज़ शमसी मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो भी मुंह छुपाने लगा। हालांकि पहले तो जूते दिखा रहा था, फिर मुंह छुपाने लगा। इस हवाले से एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करें।